हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण संबंधी मामले में अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है। याचिका में तमिलनाडु के मेडिकल पाठ्यक्रमों में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 50% आरक्षण नहीं देने की केंद्र सरकार के निर्णय को चुनौती दी गई थी। याचिका में तमिलनाडु के शीर्ष नेताओं द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए नीट में राज्य के लिए आरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में दायर की जा सकती है। आरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, साथ ही आरक्षण न देना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। बता दें कि वर्ष 1953 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए और उनकी स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए कालेलकर आयोग का गठन किया गया। आयोग द्वारा सौंपी गई अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों से संबंधित रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन ओबीसी के लिए की गई सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया गया। कुछ समय बाद 1979 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग की स्थापना की गई, लेकिन इस आयोग के पास ओबीसी के बारे में कोई सटीक आंकड़ा नहीं था। तब मंडल आयोग ने ओबीसी की 52% आबादी का मूल्यांकन करने के लिए साल 1931 की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए पिछड़े वर्ग के रूप में 1257 समुदायों का वर्गीकरण किया था। वर्ष 1980 के मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की और तत्कालीन कोटा में बदलाव करते हुए इसे 22% से बढ़ाकर 49.5% करने की सिफारिश किया, लेकिन इस पर कोई राजनीतिक निर्णय नहीं लिया गया। साल 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में लागू किया गया, जिसे लेकर कुछ छात्र संगठनों ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन शुरू किया और सरकार से निर्णय वापस लेने की मांग की गई। 2 वर्ष बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। 16 दिसंबर 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने ओबीसी के लिए आरक्षण को सही ठहराया। एक तरह से देखा जाए तो आरक्षण की अवधारणा अनुपातित नहीं बल्कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व पर आधारित है, यानी आरक्षण का लाभ जनसंख्या के अनुपात में उपलब्ध कराने की बजाय पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए है। वर्तमान में सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 27%, आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इंदिरा साहनी के मामले में ही तय हो गया कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन राज्य सरकार देना चाहती है तो दे सकती है, लेकिन इसके लिए उसे ठोस आधार मुहैया कराने होंगे।